देखिए जब बात नौकरी और छोकरी पे आ जाए ना, तो आपकी जिंदगी की गाड़ी पटरी पे आ सकती है, आपको छलांग लगवा सकती है और आपको विनर बना सकती है। नमस्कार, मैं बहुआ। नमस्ते, मैं हूँ रौनक। IPL खत्म होने के बाद और ऑस्ट्रेलिया सीरीज शुरू होने से पहले एक बार फिर से हम हाजिर हैं हमारे मूवी रिव्यू वाले गल्ले पे। और आज हम बात करेंगे किसकी, बोल दो भाई साहब। अमेजोन पर रिलीज हुई फिल्म छलांग की। मेरे को लगता है अमेजोन से पहले ये टेलीग्राम पे आ गई थी। 12 बजने से पहले ही मेरे को कुछ लिंक मिलने लगे थे इस फिल्म की। ये गलत है, इल्लीगल ऐसे नहीं फैलाना चाहिए। पकड़े गए तो वही पढ़ेंगे और वही पढ़ेंगे जिसको कुछ लोग तशरीफ बोलते हैं। चलिए छलांग की बात करते हैं, लेकिन बहुत सारी पब्लिक जो है कमेंट में लूडो का रिव्यू, लक्ष्मी का रिव्यू, स्कैम का रिव्यू मांग रही है। भैया सबको सब कुछ मिलेगा, लेकिन पहले छलांग तो मार ले। मोंटू भैया की कहानी है, वो टीचर बने हैं जिन टीचर से मेरी स्कूल में सबसे ज्यादा बनती थी, यानी PT टीचर। और एक बात बताओ, सरकारी स्कूल में इतना स्मार्ट PT टीचर कहाँ होता है? मैं इतना स्मार्ट होता तो 100 मीटर की रेस में गोल्ड ले आता। और मेरा वाला जो PT टीचर था ना भैया, वो क्लास में बाद में आता था, उसका पेट पहले पहुंच जाता था। यानी फिटनेस की पराकाष्ठा। राजकुमार जी, इस फिल्म में जो बने हैं ना मोंटू भैया, उनको नौकरी में उतना ही इंटरेस्ट है जितना इंटरेस्ट हमको टिंडे की सब्जी में है, मतलब जीरो। पर कहानी में, नौकरी में और उनकी लाइफ में इंटरेस्ट तब आता है जब हीरोइन आती है नुसरत। और याद रखिएगा, PT पीरियड में कसरत और लवरंजन की मूवी में नुसरत जरूर होती है। सॉरी। उनके प्यार की गाड़ी भी छलांग मारती है और तभी गाड़ी के सामने आ जाते हैं सिंह सर, यानी मोहम्मद जीशान आयुब। अच्छा, ये तीनों लोग आ जाते हैं? अरे भाई एक ही का नाम है। सॉरी, यही है कबाब में हड्डी, पनौतियों के बड्डी और छेद वाली चड्डी। और फिर शुरू होती है सम्मान की लड़ाई, लेते हैं एक दूसरे से चैलेंज। और बीच में मोंटू के दोस्त और छतरी के अलग अलग उपयोग बताने वाले सेक्रेट गेम्स के बंटी भैया भी आ जाते हैं। उनका डायलॉग इतना ज्यादा नहीं और हो सकता था। एक मिनट, छतरी के अलग अलग उपयोग मतलब? भाई वो कहते हैं ना कि कान में डाल के खोल दूंगा। भाई वो कान नहीं बोला तो बंटी ने? हाँ, तो जो बोला तो मैं यहाँ नहीं बोल सकता। सॉरी। फिर क्या होता है, कैसे होता है, कमजोर बच्चों को ताकत का एहसास कैसे होता है, सोता हुआ आदमी कैसे जागता है, रुका हुआ कैसे भागता है, ये सब इसमें दिखाया गया है। क्या बोल क्या रहा तू? मतलब यार फिल्म का सिनॉप्सिस दे रहा हूँ, छोटे में बता रहा हूँ, आप खुद देखो खुद जान जाओ। प्लस पॉइंट क्या फिल्म में? सौरभ शुक्ला, सतीश कौशिक, राजकुमार और बाकी किरदारों का अच्छा काम। लक्ष्मी और लूडो के बाद ये फिल्म थोड़ी राहत देगी कि भैया कुछ तो अच्छा देखा। माइनस क्या है? माइनस यही है कि कहानी और उसके अंत का अंदाजा हमको पहले ही लग जाता है कि ऐसा कुछ बवाल नहीं है इसमें। एक मिनट, बवाल चाहिए भी क्यों तेरे को, जिंदगी में कम बवाल है हमारे। सही बात है, कोरोना है, दिल्ली वालों के लिए पोल्यूशन है, पटाखे न जलाने का रूल है, अब क्या डैश लोगे? डैश मतलब? मतलब जान। अच्छा, मुझे लगा वो। था तो वही, पर मैं यहाँ बोल नहीं सकता। पर आपको मैं विश करता हूँ कि इस दिवाली आपकी किस्मत भी वही मारे जो फिल्म का टाइटल है, यानी छलांग। इसलिए प्लीज आप अपने परिवार के साथ एकदम प्यार से इस त्योहार को मनाएं, बिल्कुल बीमार न पड़े, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का करें। और याद रखें, इस दिवाली थोड़ा 19-20 होगा, लेकिन अगली बार हम लोग डबल मनाएंगे जब कोरोना को भी हराएंगे। प्लीज अपना ख्याल रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पर देख रहे तो पेज को लाइक करिएगा। बहुआ साइनिंग आउट, जल्दी मिलता है, बाय बाय, जय हिंद एंड हैप्पी दिवाली वंस अगेन।